ये स्विट्ज़रलैंड के बाद फर्स्ट वीडियो है और ये मूविंग टू जर्मनी का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ के जो लैंग्वेज स्कूल्स हैं, लाइक जर्मन स्कूल जो यहाँ पर अपन जर्मन सीखते हैं वो क्या होते हैं, उसकी सारी चीज़ें मैं आपको स्कूल्स बताऊँगी, स्कूल्स कैसे होते हैं और ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ इंट्रीगेशन कोर्स प्लस ओरिएंटेशन कोर्स। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले स्कूल की तरफ। सो गाइस, इंट्रीगेशन कोर्स और ओरिएंटेशन कोर्स क्या होता है, उसे स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ के जो लैंग्वेज स्कूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मैं सबसे पहले लैंग्वेज स्कूल के सामने खड़ी हूँ जो VHS है। ये आपको हेल्प करेगा अगर आप ऑलरेडी यहाँ आ रहे हो या कोई लैंग्वेज स्कूल ज्वाइन करने वाले हो तो आपको पहले से ही पता होगा कि स्कूल्स कैसे होते हैं। तो ये है VHS। इसके अलावा भी कुछ और भी स्कूल्स होते हैं, लाइक मैंने DAA से किया है तो उसमें हम बाद में जाएंगे, बट दिस इज़ स्कूल। और ये स्कूल में लैंग्वेज कोर्स होता है प्लस ओरिएंटेशन कोर्स होता है जो भी नए लोग जर्मनी में आते हैं और जर्मनी में रहना चाहते हैं। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बट हम लोग हमारे टॉपिक से भटकते नहीं हैं और आज सिर्फ हम लोग अपनी जो लैंग्वेज स्कूल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दिस इज़ द स्कूल, यहाँ पर आप अंदर जा सकते हो, रिसेप्शन पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हो। इन लोगों को इंग्लिश भी आती है तो आप इंग्लिश में भी पूछ सकते हो। ये मेरे टाउन का VHS है, ऐसे बहुत सारे मतलब मैक्सिमम सारे ही टाउन्स में VHS या सिटी में होते हैं, गाँव में नहीं होते हैं। तो जो गाँव के लोग हैं वो वहाँ से यहाँ पर आते हैं, बस के थ्रू ट्रैवल करते हैं डेली। लाइक मेरे कोर्सेज में कुछ ऐसे लोग थे जो आसपास के गांव से आते थे और यहाँ पर कोर्सेज करते थे। तो यस, तो हम लोग अब चलते हैं सेकेंड की तरफ और फिर मैं आपको बताऊंगी इसका पूरा फंडा। वीडियो पूरा देखना ताकि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। अब हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहे हैं, दूसरे लैंग्वेज स्कूल की तरफ जा रहे हैं जहाँ से मैंने किया था। तो ऑब्वियसली उसके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा, तो वो भी मैं आपको सुनाऊँगी और लेट्स गो। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करो, क्योंकि उसमें मैं सारे अपडेट्स देती रहती हूँ। सो गाइज, अभी हम हैं DAA। तो इस इंस्टीट्यूट से मैंने अपना इंट्रीगेशन कोर्स और ओरिएंटेशन कोर्स किया था। तो यहाँ से एंट्री होती है और हम लोग जाते हैं। एंड हमारे टाउन में 3 लैंग्वेज कोर्सेज हैं, जो VHS अभी मैंने आपको बताया, DAA, और इसके बगल में ही है कोल्पिंग, तो उधर भी जाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। और उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें अबाउट इंट्रीगेशन कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स, कौन करता है, कौन कर सकता है, किन के लिए होता है, वो सब बताऊंगी। और जो ये एकदम पीछे है ये है कोल्पिंग। अब घर चलते हैं और शांति से बैठ के बताएंगे अबाउट इंट्रीगेशन कोर्स और ओरिएंटेशन कोर्स। सो गाइज, मैं घर पहुंच गई हूं और अब मैं आपको बताती हूं अबाउट इंट्रीगेशन कोर्स। तो जर्मन जो है वो हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे आप यहां पर एक अच्छी वर्क करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, या फिर आप अपने बच्चों को उनके स्कूल्स में हेल्प करना चाहते हो, लाइक उनका कुछ कैरिकुलम होगा वो भी जर्मन में होगा, या एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो जर्मनी में, सारी ही केसेस में आपको जर्मन आना ज़रूरी है। सो इंट्रीगेशन कोर्स में होता है, इट कंसिस्ट ऑफ
One is the language course and plus second is the orientation course. मैं जो बात कर रही हूँ वो general courses की बात कर रही हूँ. कुछ intensive courses भी होते हैं और कुछ special courses भी होते हैं जो up to 900 units के होते हैं. तो अलग अलग courses करते हैं, पर इस time हम लोग सिर्फ जो general course है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि maximum जो लोग नए यहाँ पर आते हैं वो वही course opt करते हैं. अब आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, या जब मैं आई थी मुझे भी ये जानना बहुत ज़रूरी था कि लैंग्वेज कोर्स का जो करिकुलम होता है वो क्या होता है. तो उसमें आपको सिखाया जाता है, उसमें एस्पेक्ट्स होते हैं एवरीडे लाइफ में आपको जो जो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होती हैं उसके बारे में होता है, जैसे कि वर्क एंड करियर, बेसिक एंड द फर्दर ट्रेनिंग, ब्रिंगिंग अप एंड रेजिंग चिल्ड्रन, शॉपिंग, ट्रेड एंड एक्सेट्रा, लेजर टाइम एंड सोशल इंट्रैक्शन, health and hygiene, human body, media and media use and housing. और आपको सिखाया जाता है कि आप लेटर कैसे लिख सकते हो जर्मन में, वो भी कैरिकुलम में होता है. अगर आपको जॉब के लिए फ़ोन आता है तो आप उनसे कैसे बात कर सकते हो, या आपको कोई अपॉइंटमेंट लेनी होती है तो आपको कैसे बात करनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक लैंग्वेज कोर्स में इंक्लूडेड होती है, जिसे बोलते हैं इंट्रीगेशन कोर्स, जो कि लैंग्वेज का पार्ट होता है. अबाउट 600 आवर्स, 600 यूनिट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स में कम्प्लीट हो जाता है. द बेस्ट पार्ट इज़ आपको आपके दोस्त मिल जाते हैं, क्योंकि कोर्सेज में बहुत सारे लोग अलग अलग पार्ट से आते हैं. और जो फाइनल स्टेज होती है इस कोर्स की वो होती है टेस्ट, जिसे बोलते हैं प्रिफो, जो जिसका नाम होता है DTZ, जिसको बोलते हैं टेस्ट फॉर इमिग्रेंट. अब मैं आपको बताती हूँ ओरिएंटेशन कोर्स, जो कि 100 लेसन्स का होता है. और वो जो ओरिएंटेशन कोर्स होता है वो होती है अबाउट हिस्ट्री, जर्मनी की हिस्ट्री, जो मेरे लिए बहुत बोरिंग था, पर आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप एक ऐसे कोर्सेज में जा रहे हो जहाँ पर आपको जर्मनी के बारे में सब कुछ जानना इम्पॉर्टेंट है, जर्मनी की हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जर्मन लीगल सिस्टम, हिस्ट्री एंड कल्चर उसमें होता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन जर्मनी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ के जो राइट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं देन हमारी जो होम कंट्री है उससे. और उसमें पढ़ाया जाता है वैल्यूज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जर्मनी, सच एज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, टॉलरेंस एंड जेंडर इक्वालिटी. तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है ओरिएंटेशन कोर्स में, जिसमें आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाता है अबाउट एवरीथिंग जो जर्मनी में एक नए सिटीजन या नए इमिग्रेंट्स को रहने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. अब मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ. ये तो हो गया फुल टाइम कोर्सेज की बात, कुछ पार्ट टाइम कोर्सेज भी होते हैं. अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, लाइक आप जॉब कर रहे हो, तो आपके लिए इवनिंग कोर्सेज या आफ्टरनून कोर्सेज होते हैं. बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग डिपेंडिंग अपॉन दैट आप कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हो, बट अगेन उसका जो टाइमलाइन है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आपको पता ही है 700 जो लेसन्स होते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं. और जब आप जाते हो तो सबसे पहले आपका एक टेस्ट होता है, जिसमें आपका लेवल चेक किया जाता है कि आप किस लेवल पे हो. इन केस आप A2 लेवल पे हो तो आपको बोल दिया जाता है कि आप A2 से स्टार्ट कर सकते हो या B1 से स्टार्ट कर सकते हो. तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लेवल कैसा है, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से आप स्टार्ट कर सकते हो. अब जो मैंने आपको टेस्ट बताया है वो अगर आपका पास कर लेते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है. और यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आप फेल हो गए हो, या तो ये बोलेंगे कि आप A1 लेवल, लाइक सर्टिफिकेट जो आएगा या तो वो A1 लेवल का आएगा, A2 लेवल का आएगा या B1 लेवल का आएगा. तो कहीं पर भी उस पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट आता है उसमें ये नहीं लिखा होता है कि आप फेल हो गए हो, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट. अगर आपको A2 लेवल का भी सर्टिफिकेट मिला है तो आप जाके बोल सकते हो कि मैंने A2 कंप्लीट कर लिया है. और इन केस आप B1 नहीं कंप्लीट कर पाते हो तो आप रिपीट कर सकते हो लेसन्स 300 यूनिट्स तक, लाइक 3 मंथ्स का जो लेसन्स है वो फिर से रिपीट कर सकते हो और फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो. अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो भी आप डायरेक्टली एग्ज़ाम दे सकते हो, जिसकी कुछ फीस होती है. अब मैं आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ, बिकॉज मैंने ये सारी कहानी तो आपको सुनाई दी. अब अबाउट फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ की जो अथॉरिटी है वहाँ से मुझे एक लेटर मिला था, उसकी वजह से जो कोर्सेज में फ़ीस होती है 50% जो है वो मेरा डिस्काउंट हो गया था. उसके बाद मुझे जो पर मंथ फीस थी वो पे करनी पड़ती थी 199 यूरोज़ पर मंथ. तो आप
कैलकुलेट कर लो, लाइक 7 मंथ्स का कोर्स था तो 199 × 7 कर लो, इतना फीस मैंने पे करा। अगर 2 साल से पहले मैं ये क्लियर कर लेती हूँ B1 का एग्ज़ाम और मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो मैं 50% जो है वो वापस क्लेम कर सकती हूँ और वो जो क्लेमिंग अमाउंट है वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा, जो अभी मैंने नहीं किया है बिकॉज जो प्रोसेस है वो स्लो है। यहाँ पर सर्टिफिकेट मुझे अभी मिला है, बट दिस इज़ द प्रोसेस विच इज़ रिटन इन देयर वेबसाइट और बहुत सारे लोगों को मिल भी जाता है। तो दिस इज़ अबाउट द B1 इंट्रीगेशन कोर्स और द इंट्रीगेशन कोर्स फॉर ऑल द पीपल हु आर प्लानिंग टू कम हेयर और ऑलरेडी लिविंग हेयर, एंड जिन्हें जानना है कि कोर्सेज कैसे होते हैं, स्कूल्स कैसे होते हैं, लैंग्वेज स्कूल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में तो नहीं है, आई डोंट नो, इस तरीके का तो नहीं है, पर यहाँ पर है और स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। इंडिया में गोथे इंस्टीट्यूट है, वो बहुत ज़्यादा मान्यता है उसकी हमारे यहाँ, बट यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स मैंने आपको दिखाए वो हैं, और यहाँ का जो एग्ज़ाम है वो मैंने दिया था टेल्क TELC, तो टेल्क का एग्ज़ाम दिया था मैंने और मेरे पास टेल्क का सर्टिफिकेट है। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पर टेल्क का ही एग्ज़ाम दिया जाता है और टेल्क की ही बुक्स रिफ़र की जाती है। तो दिस इज़ अबाउट द कोर्स, दिस इज़ अबाउट द फीस, दिस इज़ अबाउट द लैंग्वेज स्कूल, दिस इज़ अबाउट द जर्मनी, न्यू इमिग्रेंट्स इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हेयर। और आपको ये वीडियो हेल्प किया या नहीं वो ज़रूर नीचे कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना गाइज, आई डोंट नो, आई हैव सीन आजकल बहुत सारे मुझे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं और मैं उन्हें डायरेक्टली वहीं पर आंसर कर देती हूँ, तो इट्स वेरी इजी फॉर मी। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना और कनेक्ट रहना। और इंटीग्रेशन कोर्स का पार्ट 2 जो है अबाउट B2 कैसे करना है एंड ऑल दोज थिंग, वो मैं आपको लेटर पार्ट्स ऑफ द वीडियो में बताऊंगी, बट दिस इज़ द सीरीज़ जो ऑलरेडी चल रही है मूविंग टू जर्मनी सीरीज़, उसका एक पार्ट है और आई होप ये हेल्प करेगा आपको जब आप यहाँ पर आओगे या अगर आप वहीं बैठ के और जानना चाहते हो कि लैंग्वेज स्कूल्स कैसे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहीं से सिर्फ लैंग्वेज सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इन दैट केस इट्स वेरी इजी फॉर यू टू नो द टाइमलाइंस, टू नो व्हाट इज द फीस, टू नो एवरीथिंग। तो दिस इज़ अबाउट एवरीथिंग अबाउट द लैंग्वेज स्कूल। कैसा लगा वीडियो ज़रूर नीचे कमेंट करना, सबसे अच्छा क्या लगा वो कमेंट करना है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हो तो कमेंट करना और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और वो बाकी सारी चीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय गाइस, टिल नेक्स्ट टाइम।